नमस्कार, स्पोर्ट्स एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भारतीय विकेटकीपर महेंद्र सिंह धोनी वेस्ट इंडीज के आगामी दौरे पर नहीं जाएंगे। ऐसा माना जा रहा था कि धोनी वर्ल्ड कप के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लेंगे। ऐसा तो हुआ नहीं, लेकिन उन्होंने विंडीज दौरे के लिए खुद को अनुपलब्ध बताया है। वहीं भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली ने वेस्ट इंडीज दौरे के लिए टीम इंडिया के ट्रेन पर सवाल उठाए हैं। सौरभ गांगुली ने बुधवार सुबह ट्वीट कर लिखा कि वेस्ट इंडीज दौरे के लिए वनडे टीम में अजिंक्य रहाणे को नहीं शामिल किए जाने पर उन्हें हैरानी हुई। वर्ल्ड कप विजेता इंग्लैंड क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर बेन स्टॉक्स ने न्यूजीलैंडर ऑफ द ईयर अवार्ड लेने से मना कर दिया है। स्टॉक्स का मानना है कि यह अवार्ड न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियम्स जैसे दिग्गजों को मिलना चाहिए। अपनी लहराती गेंदों से बल्लेबाजों की नाक में दम करने वाले पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज वसीम अक्रम के साथ मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर बदसलूकी हुई है। वसीम अक्रम को एयरपोर्ट पर शर्मिंदा होना पड़ा। वसीम अक्रम ने ट्वीट करते हुए कहा कि मंगलवार को मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर हुए बर्ताव से बहुत निराश हूं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज कप्तान एलन बॉर्डर का मानना है कि एशेज के पहले कुछ मैचों में उनकी टीम को अपने सर्वश्रेष्ठ छह बल्लेबाजों को खिलाना चाहिए। इंग्लैंड के खिलाफ 1 अगस्त को बर्मिंघम में एशेज सीरीज का पहला मैच खेला जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए एमएसटीवी के साथ। नमस्कार।